हेलो गाइस, आज की वीडियो एक नई वीडियो है, एक नए टॉपिक पे ये वीडियो है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी 10th क्लास पास की है, या अभी 9th में है, या 10th में है, या 12th में है। तो कुछ लोग पॉलिटेक्निक करने के सोच रहे होते हैं, बट उन्हें कुछ पता नहीं होता है, आइडिया नहीं होता है कि पॉलिटेक्निक आखिर है क्या, क्या है ये पॉलिटेक्निक, क्यों करते हैं पॉलिटेक्निक, क्या होता है पॉलिटेक्निक में। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उनके माइंड में फ्लोट करते हैं, ठीक है। सो, आज मैं इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपके पास लेकर के आई हूँ, जिसको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने भी पॉलिटेक्निक कर रखी है, तो मैं आपके वो सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकती हूँ। और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रखी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले जो लोग सोच रहे हैं वो पॉलिटेक्निक क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, और कुछ लोग तो बस नाम सुनते हैं, अच्छा उसने पॉलिटेक्निक कर ली है, मुझे भी करनी है। अरे पहले उसके बारे में आप लोग अच्छे से जान लो कि है क्या पॉलिटेक्निक, तब जा कर के उस चीज़ में आप लोग उस फील्ड में जाओ। ऐसे ही एंटर कर लोगे बिना कुछ जाने तो फिर बाद में आपको पता चलेगा कि मुझको तो इसमें से पता ही नहीं था, इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। तो पहले उस चीज़ के बारे में डीप नॉलेज लो, है आखिर है क्या ये पॉलिटेक्निक, तब आप लोग उसके लिए एंट्रेंस के लिए तैयारी करो, और फिर उसमें आप लोग गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए, अच्छी रैंक लाइए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक आखिर है क्या, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। पॉलिटेक्निक, पॉली मीन्स मैनी और टेक्निक मीन्स टेक्निकल कह सकते हैं। तो जो ये पॉली है, बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। अब जब आप पॉलिटेक्निक करते हैं, पॉलिटेक्निक एक वोकेशनल कोर्स होता है, वोकेशनल कोर्स आपका 3 इयर्स का होता है। ये 3 इयर्स का कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10th करके एंट्रेंस दिया है पॉलिटेक्निक का, ठीक है। बट कुछ लोग वोकेशनल, सपोज 10th करके तो ये 3 इयर्स का कोर्स हो गया, लेकिन कोई कोई 11th 12th करके भी करता है पॉलिटेक्निक। तो जो 11th 12th, अगर उनके कोर्सेज वोकेशनल रहते हैं 11th 12th में, तो उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, मींस एंट्रेंस उनको, लेटरल एंट्रेंस उनको देना होता है, तो वो उनका एडमिशन डायरेक्ट 2nd ईयर में होता है। उनके लिए पॉलिटेक्निक है 3 साल की, ठीक है, ओ सॉरी 2 साल की है उन लोगों के लिए जो 11th 12th वोकेशनल कोर्स करते हैं। अब लोग, अभी कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि 11th 12th में भी वोकेशनल कोर्स होते हैं। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ आर्ट, साइंस और कॉमर्स ही सुना होगा, ठीक है, बट मैं आज आपको बता दे रही हूँ 11th 12th में भी वोकेशनल कोर्स होते हैं, जिसमें कि आपके ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर और मीन्स हैं इलेक्ट्रिकल, इन ये सारी मतलब ब्रांचेस होती हैं, इनको कहते हैं वोकेशनल कोर्स। जो इन साइड से मीन जैसे साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड होती है, ऐसे ही ये भी साइड होती है, कुछ लोग इससे 11th 12th करते हैं। तो अगर उन्होंने 11th 12th इस वोकेशनल कोर्स से करी है, तो वो लोग डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग वापस पॉलिटेक्निक पे। ये उन लोग, ये नॉलेज थी उन लोगों के लिए जो 11th 12th वोकेशनल से करके, सपोज उनका 1 साल वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, ताकि वो लोग डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन ले, अगर उन्होंने वोकेशनल से 11th 12th की है। क्योंकि 10th के लिए तो ठीक है 3 इयर्स का, बट 11th 12th करने के बाद वो लोग फिर 1st ईयर से स्टार्ट करते हैं, तो वो ठीक नहीं रहता, ठीक है। तो अब इसमें वोकेशनल कोर्स होते हैं लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे कई सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं। इसमें आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा दिया जाता है, ठीक है। ये आप देखिए 11th 12th करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करते हैं तो। अगर साइड बाय साइड कुछ लोग कर लेते हैं, वो उनकी मर्जी है, बट पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, इसको 11th 12th के बराबर मान लिया जाता है, ठीक है।
तो इधर आप लोग का 11th 12th करनी नहीं है, पॉलिटेक्निक आपने कर ली है, आपके पास एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों के पास कि क्यों करना है पॉलिटेक्निक, या जो जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में फ्लोट होते रहते हैं कि आखिर पॉलिटेक्निक से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, हमें क्यों जाना चाहिए, या हम जा रहे हैं तो उससे क्या फायदे हैं। सो इज पॉलिटेक्निक गुड फॉर करियर, तो आप देखना, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगी, मैं क्या दूंगी आपको अभी अपने आप पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पॉलिटेक्निक। अब जिस बच्चे ने पॉलिटेक्निक कर ली है 3 इयर्स की, उसको अगर बीटेक करनी है क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन में उसको जाना है, आखिर उसने इंजीनियरिंग की है तो डिग्री भी तो बीटेक मीन्स इंजीनियरिंग में ही लेनी पड़ेगी, तो वो लेटरल एंट्री के थ्रू 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है, ठीक है। आप लोग ये जिन्होंने भी पॉलिटेक्निक की है उनको फायदा और क्या क्या है, वो लोग जेई का फॉर्म भर सकते हैं, मीन्स जूनियर इंजीनियरिंग, ओके। ऐसे बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं जो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए होते हैं, डिप्लोमा के लिए होते हैं, ठीक है। प्राइवेट जॉब भी आपको ऑफर की जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ज़्यादातर प्लेसमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको प्राइवेट जॉब में जैसे सपोज विप्रो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो विप्रो आती है, HCL आती है, और सैमसंग भी आती है, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, वो लोग प्लेस, जैसे कि आप लोग बीटेक करके प्लेस जो होते हैं, ऐसे ही आप लोग डिप्लोमा करके भी प्लेस जो होते हैं। और गवर्नमेंट जॉब आपकी हो सकती है, सपोज इसरो है, DRDO है, और इधर अभी DSSP में भी जॉब्स कुछ निकली थी, असिस्टेंट टाइप कुछ, ठीक है। तो असिस्टेंट की जॉब आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, ठीक है। प्लेसमेंट मैंने बता ही दिया है। अब कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है। अब देखिए, इंजीनियरिंग का करियर जो बच्चे 11th 12th करते हैं, 11th 12th कर ली उन लोगों ने साइंस साइड से, ठीक है, सबसे पहले तो उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी जितनी डीप नॉलेज पॉलिटेक्निक के बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है। पॉलिटेक्निक के बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज इन 11th 12th वालों से बहुत कई ज़्यादा होती है, ठीक। अब जो 11th 12th कर रहे हैं, उन्होंने 11th 12th की, फिर बीटेक का एंट्रेंस दिया, उनका एडमिशन हुआ 1st ईयर में, ठीक। अब फीस तो गई 1st ईयर की ना उनकी, 1-1.5 लाख रुपए जो भी है वो तो गया उनका, और नॉलेज भी नहीं है उतनी जितनी डिप्लोमा वालों को है आखिर प्रैक्टिकली, क्योंकि बीटेक जब हम लोग डिप्लोमा कर लेते हैं तो बीटेक की नॉलेज को ग्रैप्स करने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम लगता है, आधी चीज़ें आप लोग पहले से ही पढ़ लेते हैं डिप्लोमा में, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होती है इतनी कॉन्सेप्चुअल, आपको एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डिप्लोमा में जो सिखाया जाता है वो आपको बीटेक में कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए जो 11th 12th वाले होते हैं ये सिर्फ रट्टू तोता बन के रह जाते हैं, ठीक है। बुरा मत मानना जो 11th 12th वाले हैं, बट सिर्फ रेस लगी रहती है बीटेक के टाइम में मार्क्स के लिए, सिर्फ मार्क्स के पीछे भगाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं देता है 11th 12th के बाद जो बीटेक में एडमिशन लेते हैं। बाकी लेकिन जो डिप्लोमा में रहते हैं उनको एक एक बेसिक उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है हर एक की क्या कैसे आपका कहाँ से स्टार्टिंग कैसे है जीरो से, ठीक है। तो इसलिए जो डिप्लोमा करते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, तो और डिप्लोमा करके आपका कॉस्ट इफेक्ट कहाँ पे होता है, डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन हो जाना आपका, 1 साल की फीस आपकी बच जाती है सीधी सीधी। नॉलेज ज़्यादा है 11th 12th वालों से, 2nd ईयर में एडमिशन मिल रहा है, फीस नहीं देनी पड़ रही है 1 साल की आपको, ठीक है। और स्कॉलरशिप ऊपर से मिलती है जो अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, तो मैंने और फीस भी बहुत कम होती है डिप्लोमा वालों की,
इलेवेंथ ट्वेल्थ में आप जाओगे साइंस साइड से करने, तो आपकी ट्यूशन फीस ही इतनी ज़्यादा रहती है कि आप लोग बस ट्यूशन फीस दो और ट्यूशन में जाते रहो, ठीक है, आधा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। बट डिप्लोमा करोगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे, थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा, चार चार घंटे की लैब होती हैं डिप्लोमा टाइम में, और जब बीटेक करते हैं तो सिर्फ 2 घंटे की लैब होती है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच कोर्स इज बेस्ट इन पॉलिटेक्निक। अब देखिए पॉलिटेक्निक के लिए कोर्स कौन सा अच्छा होता है, देखिए सबकी अपनी अलग इंटरेस्ट होता है, किसको किस में जाना है, किसको किस में नहीं जाना है। ठीक है, कुछ लोग पहले से ही सोच लेते हैं मुझको ये वाली ट्रेड चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही सोचा था मुझको तो कंप्यूटर ही चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट ही चाहिए मुझको। इस तरीके से बच्चे अपने दिमाग में पहले से ये चीज़ तो रख ही लेते हैं कि मुझे इस साइड ये वाला इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। और कुछ लोग का होगा इस पॉलिटेक्निक डिफिकल्ट, तो देखिए स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर आप लोग सही से करेंगे तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आजकल तो वैसे भी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है मटेरियल, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को कंप्यूटर ब्रांच के पॉलिटेक्निक के क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बोल देना, मैं आपको सारे जो पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन पेपर हैं वो सब आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 10th हो, 11th हो या 12th हो, मेन होता है 10th और 12th। ठीक है, 12th अगर पास कर रखी है आप लोगों ने, ठीक है, कोई मार्क्स कुछ मैटर नहीं करता, बस हाँ पास तो होने चाहिए ना आपके जो भी है 40%। ठीक है, 10th कर रखी है आपने, एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस देने के बाद आपको रैंक मिलती है, अच्छी रैंक आ गई तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बेकार रैंक आएगी तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। फिर ये मत कहना फीस ज़्यादा है, तो इतना भी आपको हाई लेवल का कुछ नहीं मिलता है। अगर आपने 10th अच्छे से पढ़ रखी है तो आप जो है तैयारी कर लेंगे तो इजीली आप लोग जो है एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं, और रैंक भी आपकी अच्छी आ सकती है। और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, गर्ल्स को मैं कहना चाहूँगी अगर आप लोग पॉलिटेक्निक का सोच रहे हैं तो प्लीज़ तैयारी कर लें, उनके लिए तो अलग से कॉलेजेस भी हैं, 2 कॉलेज हैं, मीराबाई और कस्तूरबा गर्ल्स कॉलेज। ठीक, अगर आप लोग को तैयारी करनी है तो कर लें, और अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट करके प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी किसी का डाउट है अगर तो मुझसे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता दूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, जो इसमें से आपको जो पसंद आए उसमें आप लोग जा सकते हैं। तो पहला है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग जानते ही होंगे जो ये काम होते हैं आपके, सड़क वगैरह जो भी होता है ना, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग ज़्यादा काम आती है। मैकेनिकल में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत आती है, बट देखिए आपको एक इंस्ट्रूमेंटल करके भी होता है शायद, चलिए देखते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना एक कॉलेज है यहाँ पे दिल्ली में कॉलेज है, वो आपको डिप्लोमा की जगह डिग्री प्रोवाइड करता है, और उसमें डायरेक्ट आपको जॉब भी मिल जाती है तुरंत के तुरंत ही। अगर आप लोग और इस पे वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं बता दूंगी आपको एग्जैक्ट, बट अभी इतना ही सुन लो। फिर देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, फैशन डिजाइनिंग तो सिर्फ लड़कियां ही करती हैं और लड़कियों के लिए ही है, ये गर्ल्स कॉलेज में है फैशन डिजाइनिंग का, जहाँ तक है मेरे ख्याल से बॉयज़ कॉलेज में भी है, बट पता नहीं इतना ज़्यादा मेरे को नहीं पता, बट हाँ लड़कियों को तो मैंने देखा है करते हुए फैशन डिजाइनिंग का। सो गाइज ये थी आज की इंफॉर्मेशन, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है, अगर आपको पॉलिटेक्निक के बारे में और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिसको भी इसके बारे में जानना हो। और अगर इसमें से कुछ भी आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट करें, और मैंने एक पोस्ट भी इस पे बना रखी है,
तो आप लोग मेरी वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे पॉलिटेक्निक के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर टुडे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू दिस वीडियोस।